हेलो गाइस, तो आज के दिन की क्रिकेट अपडेट, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट टेस्ट डे टू की बात की जाए तो इंग्लैंड अपनी पारी शुरुआत करती है और 371 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें क्रॉली 76 बनाकर टॉप स्कोरर रहते हैं और विकेट कीपर स्मिथ 70 बनाकर। वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए गेंदबाजी की, तो सील्स 4 विकेट लेते हैं 77 रन देकर। फिर वेस्ट इंडीज़ सेकेंड इनिंग्स में उतरती है, जहाँ 79 रन पर 6 विकेट खो चुकी रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट इंडीज़ की थर्ड क्लास टीम आ गई है बैटिंग करने के लिए, जिसमें अथनेज उनके टॉप स्कोरर रहते हैं 22 रन बनाकर। और बॉलिंग की बात की जाए तो एंडरसन अपने लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट ले चुके हैं मात्र 11 रन देकर। दिन के एंड तक वेस्ट इंडीज़ को 171 रन और चाहिए लीड बनाने के लिए। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन प्लस 200 विकेट्स ले लिए हैं, और ये वर्ल्ड में थर्ड बॉलर बन चुके हैं यानी कि ऑलराउंडर। मिचेल स्टार्क में रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज है और वो काफ़ी समय से उनके साथ खेलते हुए आए हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा खेला, ज़्यादातर उन्होंने हवा का, विंड का यानी कि बहुत फ़ायदा उठाया। उन्होंने 5 खराब बॉल फेंकी और उन्होंने 5 बॉल पर 5 छक्के मारे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज से पहले हसरंगा ने अपने कैप्टन के पद से इस्तीफा दिया। बेन स्टोक्स को 100 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सिल्वर कैप दी।